अच्छा, इससे पहले हमने गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा है काफी तफसील से। उसका स्टेटमेंट इस तरह था कि अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम द चार्ज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। उसको हमने एक डेली लाइफ एग्जांपल से भी एक्सप्लेन किया था। उससे पहले हमने गॉस लॉ को पढ़ा था कि व्हाट इज गॉस लॉ, काफी तफसील से हमने गॉस लॉ की डेरिवेशन भी की थी, उसकी एक स्टेटमेंट भी हमने पेश की थी और उसको हमने समझा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको सादा अल्फाज में समझाता हूं कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक शीट है इस तरह का और उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस शीट पर जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये मौजूद होंगी स्पेस में इधर उधर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से, वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि वो हमारे पास क्या आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ में यहां पर कैलकुलेट करने वाला हूं कि हम किस तरह एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहां पर एक शीट लिया हुआ है और उस शीट पर हमने कंसिडर किया है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये शीट मैंने इनफाइनाइट लिया हुआ है। इनफाइनाइट का मतलब है कि एक बहुत ही लार्ज शीट मैंने लिया हुआ है। अब जब मैं यहां पर इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको मैं निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे फर्ज करना होगा एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो मैं वो यहां पर साइमेट्री को यहां पर हमें देखना होगा कि साइमेट्री किस तरह है, क्योंकि ये एक शीट है, इसी वजह से यहां पर हमारे पास जो गॉसियन सरफेस मैंने कंसिडर किए वो है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये आपको एक सिलेंडर नजर आ रहा है और इस सिलेंडर का ये एक फेस है और एक ये फेस है और ये एक यहां पर शीट के अंदर ये मिडल वाला एक फेस है। ये और ये फेस जो है एरिया नंबर वन और एरिया नंबर थ्री वाले जो फेसेस हैं, इसको मैं एंड फेसेस कहते हूं। ये है एंड फेसेस ऑफ दिस इमेजिनरी गॉसियन सिलेंड्रिकल फेस और ये है हमारे पास एरिया नंबर टू, तो इसको भी मैंने यहां पर आपको मेंशन किया हुआ है। अब हमें पता है कि यहां पर एक हर एक फेस का एक नॉर्मल होता है, एक नॉर्मल वेक्टर जो कि फेस के नॉर्मल बिल्कुल होता है। फॉर एग्जांपल ये एक शीट है, इसके नॉर्मल मैंने एक यहां पर वेक्टर लिया हुआ है। इसी तरह ये जो एंड फेसेस है इसके मैंने एक नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया हुआ है और इस एंड फेस का एक नॉर्मल वेक्टर मैंने इस डायरेक्शन में लिया हुआ है। क्योंकि हमें पता है कि ये शीट इस तरह है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होगी और या से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होगी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो नॉर्मल वेक्टर है या जो एरिया वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में है। ये नॉर्मल वेक्टर या अगर मैं इसको मेंशन कर लूं एरिया थ्री जो वेक्टर है इसको मैं इस डायरेक्शन में यहां पर मेंशन कर सकता हूं, या पर यह नॉर्मल वेक्टर या इसको हम कह सकते हैं A1 एरिया वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में है। तो नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वेक्टर है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, मीन्स यहां पर एंगल जीरो बनाएंगे और यहां पर भी एंगल जीरो बनाएंगे। ये जो कर्व्ड फेसेस है ऑफ दिस सिलेंडर, चूंकि सिलेंडर हमारे पास इसका एक कर्व्ड फेस भी होता है, जो कर्व्ड फेसेस होते हैं उस फेस के अक्रॉस जो उसका नॉर्मल वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा या यहां पर इस डायरेक्शन में होगा। तो इन सारे इंफॉर्मेशन को अपने जहन में रख के मैं यहां पर आपको अभी डेराइवेशन करने वाला हूं, कैलकुलेट करने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हमें पता है कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। गॉस लॉ हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो नेट होता है वो बराबर होता है क्यों भाई, एप्सिलॉन नॉट। ये इससे पहले हमने कभी तफसील में गॉस लॉ वाला टॉपिक पढ़ा है। अब हमें यह भी पता है कि चूंकि यहां पर हमारे पास एक पर्टिकुलर सरफेस है, एक शीट है, तो उसकी एक पर्टिकुलर चार्ज डेंसिटी होगी और वो चार्ज डेंसिटी मेरे पास है यहां पर दी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मैं एरिया को इस साइड पर ले आऊंगा तो ये सिग्मा के मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब क्यों की इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट करूंगा इक्वेशन नंबर वन में,
पुट किया यहां पर, तो ये इक्वेशन मेरे पास बन गया सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है कि यहां पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है और यहां पर भी सेम डायरेक्शन में है, और यहां पर नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एंड पेसेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी मिडल वन, ये इसको मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यहां पर एड अप करना चाहता हूं। जब मैं इसको एड करूंगा तो आपको पता है कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर बराबर होगा, तो इस फेस के लिए यहां पर हमारे पास होगा ई डेल वन, यहां पर होगा ई डेल थ्री, और इसके लिए होगा ई डेल ए डेल ए टू। तो हमें पता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये जीरो होगा, क्योंकि यहां पर नॉर्मल वेक्टर या एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान एंगल 90 है, तो इसी वजह से डॉट प्रोडक्ट कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, और यहां पर हमारे पास क्योंकि एंगल दोनों के दरमियान जीरो है कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, और यहां पर कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, इसी वजह से मैंने यहां पर डॉट प्रोडक्ट को खत्म किया है। एरिया वन और एरिया टू चूंकि हमने ये जो गॉसियन सरफेस दिया है इसका ये फेस और ये वाला, ये सारे हमें पता है कि इसका एरिया सेम है, इसी वजह से एरिया वन इज इक्वल टू एरिया टू, या सिंपली इसको मैं ए भी लिख सकता हूं। इसके अलावा हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू जीरो बिटवीन ई एंड ए हेयर एज वेल एज हेयर, इसी वजह से ई ए प्लस ई ए मैंने इन दोनों को यहां पर एड अप किया है। ई ए प्लस ई ए हमें पता है कि टू ई ए के बराबर होगा, तो अब आप अगर देखें तो इक्वेशन थ्री और इक्वेशन टू को मैं कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो टू ई ए बराबर हो गया सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। एरिया को एरिया के साथ यहां पर काटूंगा, टू को जब मैं उस साइड पर ले जाता हूं तो ये नीचे आएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से मैं इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इसे असाइन करूंगा और वो होगा अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आर, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर आर। ये फाइनल रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो हमने यहां पर कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ गॉसियन लॉ। एक और बात, यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ई वन और ई टू नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा यहां पर, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला एंड फेस और ये वाला एंड फेस ये दोनों सेम डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, फासले भी इन दोनों एंड फेसेस के सेम है सिलेंड्रिकल फेसेस के, इसी वजह से मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई को जस्ट ई लिखा है, ई वन और ई टू नहीं लिखा। बाकी यहां पर हमारे पास रिजल्ट है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का फाइनल रिजल्ट है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, मजीद इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।